सर गाइस, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पता करने वाले। तो आप सीखने वाले हो आज कमांड लाइन। सो काल के लक्ष्य में ना कमांड लाइन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप हैकर बनना चाहते हो ना भाई, तो आपके लिए कमांड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और वो कमांड लाइन आप कैसे सीख सकते हो ना, उसके बारे में हम आज डिटेल में सीखेंगे। सो गाइस, आज आप लिनक्स की कमांड लाइन एकदम धांसू तरीके से सीख सकते हो। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, जिसमें आपको लिनक्स की कमांड लाइन पूरी की पूरी सीखने को मिलेगी। और ओवरऑल आपको मतलब आप बेसिकली आप लिनक्स की कमांड लाइन प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो गाइस, चलो वीडियो स्टार्ट करें। सो गाइस, मेरा नाम है विष्णु नेमाने और आप देख रहे हैं टेक्निकल रिपेयर यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, शुरू कर दे। सो गाइस, आप वीडियो को आगे देखते रहो, आज हम डिटेल में समझेंगे लिनक्स की कमांड लाइन कैसे यूज करती है, क्या क्या बेसिक कमांड है और हम कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप आगे देखते रहिए। तो उसके लिए हम अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेते हैं। और वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद हम जाते गए सीधा अपना लिनक्स की मशीन है, हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस क्या होते है, पता है कमांड लाइन एक बेसिक चीज होती है। कमांड लाइन आप अगर जैसे आप सीखेंगे ना कमांड लाइन, तो आपको डिटेल में आना चाहिए कि भाई क्या है, कैसे कौन सी कमांड कैसे एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। उसके बाद वो कमांड मतलब आपको मैं आज के वीडियो में इतना तो श्योरिटी देता हूँ आपको कि आपका बेसिक लिनक्स का सारी की सारी कमांड आपको बेसिक कमांड समझ में आ जाएगी। तो मैं इतने श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आपकी बेसिक कमांड का सारा प्रॉब्लम सेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना लिनक्स वो ओपन हो गया, वो जो अपन ने वर्चुअल बॉक्स में ओपन किया गाइस। तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, सीधा अपन जाते हैं अपने अपन पूछ रहे हैं अपने को आईडी पासवर्ड, तो अपन डालते हैं अपना आईडी पासवर्ड काली, अपना पासवर्ड मतलब डिफॉल्ट पासवर्ड काली काली रहता है, तो मैं ज्यादा इसमें यूज नहीं करता। तो गाइस ये हो गया अपना काली लिनक्स का मशीन ऑन। तो गाइस अपन अब इसमें देखने वाले कि अपना जो मशीन ऑन हो गया ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज आएंगे। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, आपको इसमें मल्टीपल टूल्स मिल जाएंगे। आपको इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस, पासवर्ड, वायरलेस, सब इसके आपको इसमें टूल मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई टूल नहीं मिल रहा है ना, तो आप गिटहब की डायरेक्टरी से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, गिट क्लोन करके। तो उसकी भी कैसे कमांड देनी पड़ती है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सो गाइस अपन क्या करते हैं, अपनी आज का मतलब मेन टॉपिक था कि अपना कमांड लाइन का टॉपिक था, तो अपना कमांड लाइन कैसे है और अपन किसमें कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अपन जैसे ही माउस के राइट एरो को क्लिक करेंगे, तो इसमें अपने को ये ओपन हो जाएगा, या अपन यहाँ से ओपन टर्मिनल इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे, तो अपन इसको जूम कर लेते हैं, मतलब आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है, सो गाइस ये हो गया अपना टर्मिनल। तो अगर इसमें आप सबसे बेसिक चीज बांध लो, आप कोई भी मतलब हर आप अभी बेसिक बेसिक कमांड समझ लो। जैसे पहला कमांड हो गया आपका ls कमांड, मतलब ls अगर आपने लिखा तो लिस्ट ऑफ कमांड। तो अभी हम एक मान लो, अभी आप कौन सी हर चीज की ना गाइस लिनक्स में डायरेक्टरी होती है, तो मतलब जैसे फोल्डर होता है तो उसको अपन डायरेक्टरी बोलते हैं। तो अभी मैं कौन से हूँ, डेस्कटॉप में हूँ। अगर सीडी मैंने अगर लिखा, तो सीडी का मीनिंग होता है चेंज द डायरेक्टरी। सीडी मैंने लिखा, स्पेस मारा, उसके बाद डबल डॉट मारे और अगर मैंने एंटर कर दिया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक डायरेक्टरी पीछे आ गए। अगर इसके बाद आपने ls कमांड को अगर प्रिंट मारा, तो इसमें जितने भी कमांड है ना, ये सारी की सारी कमांड आपको लिस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो cd और ls का आप मीनिंग समझ गए। अगर आपको किसी फोल्डर को ओपन करना है, तो आपको cd लिखना पड़ेगा और आपको वही फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें डाल डाउनलोड, तो मैंने अगर इसमें टैब बटन दबाया, तो इसमें मेरे को ऑप्शन दिख रहा है डॉक्यूमेंट एंड डाउनलोड, तो मैं एकदम इजी टू वे अपनी कमांड ओपन कर सकता हूँ। देखो मैं फिर से डाउनलोड के अंदर आ गया, तो मेरे डाउनलोड में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे cd और ls कमांड आपका हो गया। ठीक है, अब गाइज मान लो कोई भी काम करता ना, उसमें यूजर रहता है, तो आप अभी कौन हो, आप एक नॉर्मल यूजर हो, तो आपको ना सुपर यूजर बनना है, मतलब आपको रूट यूजर बनना है। तो रूट यूजर के लिए अगर आपको कमांड की बात की जाए ना, तो आपको लिखना है sudo, और आपको उसके बाद sudo su, sudo su, मतलब sudo su अगर आपने कमांड दी, इसके बाद आप सुपर यूजर बन सकते हो। इसके बाद एंटर जैसे करेंगे, तो आपको पासवर्ड मांगेगा आपकी काली का। जैसे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, आप यहाँ पे गाइज देख सकते हो, आपको यहाँ पे काली काली दिखा रहा था, लेकिन अभी क्या दिखा रहा है, रूट काली दिखा रहा है। तो अभी मैं कौन सा रूट यूजर बन गया हूँ। अभी गाइस आप बांध लो, आप डायरेक्टरी बोलो मैंने हर फोल्डर के, तो इसमें आपको कभी शो नहीं करता कि आप, इसके लिए कमांड होती है pwd, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से होम में, होम के अंदर काली है, अगर अपने को एक कमांड पीछे आना है, सीडी मार्केट डबल डैश मारेंगे, सीडी मार्केट डबल डैश मारेंगे, तो देखो जब मैं ऐसे ls करूंगा, तो हम पूरी डायरेक्टरी से पीछे आ गए। तो यहाँ पे जो पूरी लिनक्स की मेन डायरेक्टरी थी ना, इसमें शो कर आपको bin, होम वगैरह सारी की सारी डायरेक्टरी आपको शो कर रहा है। तो हम कौन से डायरेक्टरी अंदर थे, होम डायरेक्टरी के। ठीक है, अगर गाइस और एक चीज मान लेते हैं,
अभी हम मेन इसमें आते हैं, ठीक है। हम इसमें ए एक्स आई टी लिखेंगे एग्जिट, तो अब अन रूट डायरेक्टरी से एक सीधा पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइज अगर मान लीजिए आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक कमांड रहती है mkdir। mkdir आपने लिखा, इसके बाद अपन ने स्पेस मारा। अगर आपको कोई भी फोल्डर का एक नाम देना है, जैसे मैंने डाल दिया फोल्डर का नाम vpn, मैं जैसे एंटर करूंगा तो उसके तो अपना एक फोल्डर बन गया। इधर गाइस दे सकते हो, आपको कोई फोल्डर नहीं दिख रहा है। जैसे मैं ls करूंगा तो आपको यहाँ पे देख लो, आपको इसमें vpn नाम का फोल्डर मिल गया, ठीक है। vpn नाम का फोल्डर मिल गया जिसमें अपन बहुत कुछ पढ़ा है अपना, ठीक है। अगर गाइस इसको मेरे को डिलीट करना है, इस vpn वाले फोल्डर को, तो मेरे को क्या लिखना है, rm। rm मतलब रिमूव कमांड। और मैं जैसे vpn लिखूंगा तो देखो vpn मैंने लिखा, तो अभी ये क्या हो रहा है, ये एंटर नहीं हो, ये डिलीट नहीं हो रहा है। इसने एक एरर शो किया, रिमूव कैनो मतलब कैनोट रिमूव vpn डायरेक्टरी। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं गाइस, आगे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं, मतलब एक मान लो कि ये अपन नॉर्मल यूजर बन के इसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने रिमूव लिखा, उसके बाद मैंने अगर हाइपन मारा, हाइपन आर मारा, मतलब आपको परमिशन के साथ आपको इसको डिलीट करना है। जैसे मैं एंटर करूंगा गाइस और एलएस करूंगा, तो आपको देख सकते हैं यहाँ से वीपीएन वाला फोल्डर डिलीट हो गया, ठीक है। अगर गाइस और मैं ऐसे बात की जाए, तो अगर मैंने सीडी लिखा और हम थोड़ा पीछे आ गए, ठीक है, पीछे आ गए। अभी हम मेन इसमें चेक करेंगे तो इसमें अपने को बहुत सारे फोल्डर वगैरह मिल जाएंगे गाइज, अपने को बहुत सारे फोल्डर इसमें हैं। तो इसमें अपने को क्या चेक करना है गाइज, अगर मान दिए मेरे को कोई मतलब ये मैं सीडी डालता हूँ, एस बिन का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा, एलएस मांगूंगा, इसमें अपने को मोस्ट ऑफ मल्टीपल फोल्डर मिल गए। अगर गाइज मान ली इसमें मैंने कोई फोल्डर क्रिएट नहीं किया, तो अगर मेरे को ये फोल्डर, देखो ये अपना फोल्डर है MKFS, तो इस फोल्डर को मेरे को रीड करना है। इसके लिए मेरे को कमांड देनी पड़ेगी कैट। कैट कमांड का मीनिंग होता है कि मेरे को ये फोल्डर रीड करना। मैं इसमें डालूंगा MKFS। MKFS मैंने जैसे ही डाला और मैं एंटर करूंगा, तो गाइस देख सकते हो पूरी की पूरी कमांड इसने रीड करने को दे दी। तो जो है मैं पूरी के पूरे देख सकता हूँ। तो ये गए हो गए अपने बेसिक कमांड जो लिनक्स की आ गई, अपने रिमूव कमांड वो सब चीजें सीख ली, ठीक है। अगर गाइज अपन और फिर से बात करते हैं किसी और चीज के बारे में, जैसे अपन सुडो सू करके अपन सुपर यूजर बन गए, अपन ने अपना पासवर्ड डाला, ठीक है। अगर आपको इस सिस्टम को आपको अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप APT, देखो APT अपडेट भी आप लिख सकते हो, APT आप अपडेट भी लिख सकते हो। मैंने नेट कनेक्ट नहीं किया इसके लिए चलेगा नहीं, इसमें इग्नोर दिखा रहा है इसके लिए नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल सी किया ना गाइज, तो ये पूरा का पूरा सेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो APT अपडेट किया आपने, तो इसके बाद ये चलेगा नहीं, ठीक है। CLEAR क्लियर का मतलब होता है पूरा का पूरा टर्मिनल क्लियर हो जाए। अगर मैंने लिखा है इसमें APT गेट अपडेट, अपडेट मतलब सिस्टम को अपडेट करने के लिए कमांड आती है, और APT गेट अपग्रेड मतलब सिस्टम की जो फाइल है उसको और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए आती है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, मैंने बिकॉज नेट कनेक्ट नहीं किया था इसके लिए आपको ये चीजें नहीं शो कर रही है। ये अपनी के सारी टर्मिनल की चीजें गाइस क्लियर हो गई है। तो आप यहाँ से अगर आप जैसे क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से ओपन एज रूट, तो मतलब आप सीधा रूट यूजर के लिए लॉग इन हो सकते हैं। तो इसमें आपको पासवर्ड मांग रहा है, जैसे आपने पासवर्ड डाला काली, तो इसमें से आपका पूरा रूट यूजर ओपन हो गया। आपके रूट के अंदर कोई फाइल डेटा है, सारी की सारी चीजें आपको इधर शो करेगा। तो ये अपना हो गया पूरा बेसिक कमांड जो है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक चीज दे दूंगा, जिससे आपको जितने भी बेसिक कमांड है, तो सारे के सारे कमांड आपके क्लियर कट हो जाएंगे, और जिससे आपको पूरा का पूरा लिनक्स का पता चल जाएगा। तो ये अपने टूल्स वगैरह सब चीजें इसमें क्लियर कट आपको पता चल गया गाइस। तो आई होप, मेरे को लगता है आपको सारे के सारे बेसिक कमांड आपको समझ में आ गए होंगे। तो गाइस आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है, तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बना दो। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको हमारे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग अच्छे हैकिंग के वीडियो के बारे में आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो आई होप लगता है मेरे को गाइस आप सब सीख गए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। सर गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आपने लिनक्स कमांड लाइन के बारे में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपको और भी इसमें कोई दिक्कत वगैरह है, तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, बटन को तोड़ देना, फोड़ देना, मोड़ देना, कुछ भी कर देना, लेकिन लाइक होना चाहिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की बेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, घंटी भी बजा देना। तो मिलते गए इस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।